हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है हमारी एकदम फर्राड़ा एकदम मस्त चलने वाली गाड़ी। और भाई साहब, इसको हमने यार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज भी लिया है। आप लोग जो है इस गाड़ी को तो जानते ही होंगे। तो भाई साहब, आज इस गाड़ी को हम बिना ड्राइवर के चलाने वाले हैं। नॉर्मली जो गाड़ी होती है उसको चलाता है ड्राइवर। हमने जो है बाइक को चलाया था बिना राइडर के, और जो बाइक है वो यार क्या जबरदस्त चली थी, और वो जो नज़ारा था बहुत ही बेहतरीन था देखने में। तो हमने सोचा कि अगर गाड़ी को भी ऐसे ही चलाया जाए तो क्या होगा, क्या जो गाड़ी है वो बाइक की तरह अपने आप चल पाएगी। जो बाइक है तो वो तो कूद भी गई थी कई जगह पे। तो गाड़ी को चलाना यार बाइक से काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि बाइक में 2 टायर्स होते हैं, गाड़ी में 4 होते हैं। बाइक ऐसे गिर भी सकती है, लेकिन गाड़ी के 4 टायर की वजह से गिरेगी तो नहीं कम से कम। लेकिन गाइस, बाइक के अंदर हमने रेस को टाइट कर दिया था, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो शायद हमें पत्थर वगैरह रखना पड़ेगा क्लच के ऊपर, एक्सेलरेटर के ऊपर, और फिर जो है गाड़ी को इसके हवाले छोड़ देंगे। एकदम खुले ग्राउंड में है जहाँ पर ऐसा कोई खास रिस्क भी नहीं है। तो करते हैं शुरू, और आप लोग प्लीज़ गाइस ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। और यार आपके भाई के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। गर्मी में धूप में आप लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए लगे हुए हम लोग, तो आप लोग भी थोड़ा सा लग जाइए लाइक ठोकने में। तो गाइस, ये क्लच के लिए हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार हो चुका है, जो कि दूर से क्लच को हटा देगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख दे रहा हूँ इसके ऊपर। गाड़ी में कैमरा सेट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन यार ऐसे नहीं, गाड़ी को पीछे लेके जाएंगे और इस हिस्से में जो आगे खाली हिस्सा है वहाँ जाएगी। आगे पेड़ वगैरह हैं, अगर इनसे नहीं टकराई गाड़ी तो काफ़ी मस्त रहेगा। लेकिन मुझे अभी तक तो ये भी नहीं पता ये गाड़ी ऐसे चलेगी भी या नहीं, या फिर जो है इसको पावर नहीं मिल पाएगा स्टार्टिंग में तो क्लच बंद हो जाएगा। सेकंड गियर में ट्राई करेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और भाई यार, ऐसा कुछ ट्राई तो गलती से भी मत ही करना यार, हम लोगों का काम है कुछ क्रेज़ी करना, कुछ नया करना, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। बड़े ही सावधानी से पूरे एरिया को पहले तो हम देखते हैं कि कोई है नहीं, कोई जानवर तो नहीं है, कोई इंसान तो नहीं है। गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी कंट्रोल में नहीं रहेगी यार। जब ये चलेगी तो किसी का कोई हाथ नहीं रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो है अपनी मर्जी से रुकेगी, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगी, ठीक है। तो अब जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चलो। सब कुछ तैयार है, क्लच क्लच अपने आप ही हट गई। एक मिनट रुको गाइस, सब कुछ तैयार था लेकिन थोड़ा सा वापस से तैयार कर लेते हैं। क्लच को मैं फिर से दबा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जो क्लच है वो पत्थर से दबा हुआ है, मैं पहले रेस दबा रहा हूँ, ठीक है। अब रेस फुल हो जाएगा ये लगाने के बाद में, ठीक है गाइस। रेस फुल हो चुका है, गियर डाल रहा हूँ सेकेंड, क्लच हटा दूंगा, ये डाल दिया है, हटाते ही गाड़ी भागेगी। इन 3, 2, 1 गो। ओए ओए ओए, गाड़ी अपने आप चल रही है भाई साहब, देखो। गाड़ी भाई साहब अपने आप चल रही है, देखो। ओए ओए ओए, इसको रोकना पड़ेगा क्या? नहीं रोक सकते ऐसे तो। अरे यार, इस पेड़ में जाएगी, पेड़ में जाएगी। ओए ओ तेरी, ओए ओए ओ तेरी, ओए। अबे यार पेड़ में जाकर के टकरा गई। पेड़ जो है मुझे लग रहा है वो बैंड ही हुआ है, जैसे गाड़ी निकलेगी पेड़ वापस से खड़ा हो जाएगा, काफ़ी लचीलापन होता है इसके अंदर। गियर निकालो, आगे धक्का मारो, पेड़ सीधा करते हैं पहले।
तो गाइस जो पेड़ है उसको हमने फिर से खड़ा कर दिया है, और ये जो है ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं था। यार इसका कांटा मेरे चुभ गया। तो अब जो है हमारी जो गाड़ी है यार भाई साहब, अबे चल तो गई यार एक बात है, और सीधी सीधी चल करके आई है, लेकिन गाड़ी के ऊपर जो पत्थर रखा था ना रेस पर जो एक्सेलेटर पर, वो हट गया मेरे हिसाब से, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से वहीं लेकर के चलते हैं। एक काम करें, इधर से उधर चलाएं क्या? चलो इधर से उधर चलाते हैं, और इस बार जो है पत्थर जो पत्थर था उसको रेस के ऊपर टेपिंग ही कर देंगे, ताकि वो हटे नहीं, कंटिन्यू रेस मारती रहे गाड़ी। चलो तो गाइस एक बार फिर से पूरा सेटअप रेडी है। इस बार जो रेस है वो बंधी हुई है, यानी कि वो कम नहीं होगी, ठीक है? तो पहले मारते हैं रेस। यहाँ पे रेस हो गई है फुल, गियर डालता हूँ दूसरा, इसको हटाएंगे इन 3-2-1 चलो। दे दो धक्का दो, धक्का दो, धक्का धक्का बंद मत करो, बस छोड़ दो। ओ शिट कहाँ तक चढ़ गई भाई, कहाँ तक चढ़ गई, क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ चढ़ गई। ओ शिट यार भाई साहब, जो गाड़ी है वो वहाँ चढ़ गई ऊपर, और इस बार स्पीड भी पकड़ी है यार। गाइस ये जो है थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन हम अच्छी जगह हैं इसलिए बढ़िया बात है, और अब इसमें धक्के से तो निकलेगी भी नहीं है। अरे खोल जल्दी खोल गाइस, पता नहीं गाड़ी में जो है धुआं निकलने लग गई है। सुन ओ शिट भाई साहब, सब कुछ गर्मा गया सिस्टम यार, रेस ज़्यादा मार के रख दी हमने। क्या हुआ, इसका फैन नहीं काम किया है क्या हुआ? देखो ये कैसे बॉइल कर रहा है भाई। ओहो इसकी वाट लग चुकी है गाइस, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक इसके अंदर जो है रेस मारे रखी, बहुत देर तक कैमरा वगैरह सेट करने लग गए। जान दे, रुक जा गियर निकाल लूं। जान दे तो गाइस फाइनली हमारी जो गाड़ी है वो बस। अरे कोई ड्राइवर नहीं अभी भी उसमें, बंद कर ले। तो भाई साहब अभी भी गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, और यार गाड़ी गर्मा चुकी है तो हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, ट्रैक्टर से खींच के निकाला, और शायद उसमें जो है फंस भी जाती। तो यार आप लोगों ने देखा कि किस तरीके जो गाड़ी है वो बिना ड्राइवर के चलती है, और भाई उस पर चढ़ रही थी यार ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस क्लच ब्रेक का और एक्सेलेटर का नहीं बनता, इस वजह से गाड़ी बंद ज़रूर से हो गई। और हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी पुरानी भी है, अगर शायद एकदम फ्रेश गाड़ी और जिसके बड़े टायर्स हो, मतलब कि SUV टाइप की गाड़ी हो, तो वो ऊपर इसके ऊपर भी ऐसे चढ़ जाएगी और वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो गाइस हमने जो है सब कुछ सेफली किया है, आपको तो कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत ही करना। अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। हमारी तो हालत जो आज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत तेज़ धूप है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।